अगर आप शरीर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए अंडा, नॉनवेज यानी मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपको उन शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है या जानना चाहिए जिनमें मांसाहार या फिर अंडे की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन होता है। जिन्हें सही जानकारी है वे आपको 5 ऐसी शाकाहारी चीज़ों के नाम गिना देंगे जिनमें अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 5 शाकाहारी स्रोत के बारे में, ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिनमें अंडे से ज़्यादा प्रोटीन होता है यानी एग से ज़्यादा प्रोटीन होता है। इस लिस्ट में सबसे पहले दालें आती हैं। कम से कम शब्दों में कहा जाए तो तब भी इतना तो कहना ज़रूरी है कि दालें पोषक तत्वों का खजाना होती हैं। अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन देने वाली दालों के इस्तेमाल से कई बीमारियां दूर होती हैं। दूसरे नंबर पे आती है हरी मटर। जब बात ऐसी शाकाहारी चीज़ों की हो जिनमें हेल्थ टेस्ट की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, तो हरी मटर उनमें सबसे हायर लेवल पे आती है, ऊँचे स्थान पे आती है। थोड़ा सा हरा मटर डेयरी प्रोडक्ट से भी ज़्यादा प्रोटीन देता है। और उसके बाद नंबर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स का ही। यह अमूमन सभी को पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी जिसमें दूध, दही, घी, पनीर आदि आता है, उन सब में ढेर सारे प्रोटीन होती हैं। इनका रेगुलर इस्तेमाल करने से, रेगुलर इनका सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। पोषक तत्वों की सारी कमी इसको डेयरी प्रोडक्ट्स पूरी कर देते हैं। उसके बाद नंबर आता है हरी पत्तेदार सब्जियों को। हरी सब्जियां न्यूट्रिशन का पावर हाउस होती है। ख़ास तौर पर पालक को आप लगभग हर न्यूट्रिशन ग्रुप में डाल पाएंगे। प्रोटीन भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। उसके बाद नंबर आता है मेवों का। मेवे कई तरह के न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। ख़ास तौर पर बादाम में मौजूद प्रोटीन आसानी से शरीर में पच जाता है और इसके कई सारे फायदे और भी मिलते हैं। इन शाकाहारी खाद्य पदार्थों से भी आप शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अंडा या नॉनवेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, अगर आपको भी टेस्ट के लिए खाना है तो आप खाते रहिए, बट अगर प्रोटीन की जहाँ तक बात आती है तो आप सब्जियों से यानी जो वेजिटेबल अवेलेबल हैं प्रकृति ने हमें दी हैं उनके थ्रू भी आप प्रोटीन्स को इनटेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। हम आगे भी आपके लिए छोटी पर ज्ञानवर्धक वीडियो लेते आते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।